जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय के सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार दत्या ने बताया कि शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश द्वारा 23 मामलों का निस्तारण किया गया तथा पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 23, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोरखपुर द्वारा 202 वादों का निस्तारण किया गया। इसी क्रम में स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन द्वारा 5 और उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष द्वारा कुल 5 वादों का निस्तारण किया और जनपद के अपर जिला अधिकारी प्रशासन, नोडल अधिकारी, उप जिला अधिकारी गण एवं अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता की गई एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा आपराधिक प्रकृति के अनेक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया तथा समस्त न्यायालयों द्वारा 18,658 आपराधिक मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 5,93,890 रुपए अर्थदंड वसूला गया। वहीं राजस्व अन्य विभागों द्वारा कुल 85,807 मामलों का निस्तारण किया गया तथा इसी क्रम में बैंक रिकवरी के 1,395 मामलों में से 2,67,20,440 रुपए नगद जमा कराया गया। आपको बता दें कि शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,26,756 मामले आए, जिनमें 1,06,400 मामलों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, अपर जनपद न्यायाधीश व नोडल अधिकारी जयप्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, उपस्थित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया से पधारे हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी का इस राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। तो आप सब ठीक है? कार्यक्रम हो जाए सर कभी। अरे सर, असली काम तो यही करते हैं, खाली हमारा फोटो खिंचवाते हैं। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत श्री जी के पांडे साहब, मंचस्थ अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोरखपुर, मंचस्थ प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री उपाध्याय जी, मंचस्थ नोडल अधिकारी एवं न्यायिक रथ को अभिषेक करना मिलाकर चल रहे हमारे सभी न्यायिक परिवार के सम्मानित अधिकारी, मुझे बताया गया यहाँ कोई परंपरा नहीं है लोक अदालत में। औपचारिक उद्घाटन तो प्रदेश के प्राय
सभी दफ्तरों में गुजारी है। साथ ही साथ आशीर्वचन कहने विषय पर अपना मत व्यक्त करने का एक अवसर कहने लोक अदालत के संबंध में लोगों को जागरूक लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। और आप सब सामान्य ही विशिष्ट व्यक्ति है तो आप लोगों को जागरूक करने की कोई आवश्यकता है। आज ईश्वर ने एक अवसर और दिया है जो कार्य हम नियमित रूप से करते हैं उससे हटकर जनता की बातों को उन्हीं के स्तर पर उतार कर निर्धारण करें। जब विधीय रूप हम निर्धारित करते हैं तो न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और जब लोक अदालत के मंच के माध्यम से या किसी वैकल्पिक मंच के माध्यम से करते हैं तो उसमें न्यायिक प्रक्रिया की न्यायिकता धर्म की जटिलता हो अनुपालन नहीं करते। और कुछ न कहते हुए मैं सभी को अपनी शुभकामना देता हूं और ये आशा ही नहीं विश्वास है कि अपने अपने न्यायालयों के कार्यों को संपादित करने के उपरांत हम कोई न कोई पुनः एक कीर्तिमान बनाएंगे और पूरे प्रदेश में जैसे परचम आपने इस तपोभूमि गोरक्षनाथ की धरती को आपने प्रदेश भर में जो सम्मान दिया है भक्तों ने स्थापित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को मेरी अपनी शुभकामना धन्यवाद जय। मैं आप सबों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आगमन में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हुआ था किस तरह के मामले हैं और कितने मामलों में निस्तारण हुआ? राष्ट्रीय लोक अदालत आज दिनांक 11/9/2021 को आयोजित की गई जिसमें 106,400 वादों का निस्तारण किया गया जिसमें पारिवारिक वादों से संबंधित 51 वादों का और प्री लिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों कंपनियों भारत संचार निगम से संबंधित 1395 वादों का निस्तारण कर कुल मूल 2,67,20,440 रुपये नकद जमा कराए गए। और हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा अधिकरण गोरखपुर श्री तेज प्रताप तिवारी के कर कमलों द्वारा मीटिंग हॉल में राष्ट्रीय लोक अदालत का सुबह 10:30 बजे उद्घाटन किया गया जिसमें उक्त कार्यक्रम में वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री वीर नायक सिंह, मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री भगवती प्रसाद सक्सेना, स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन श्री गिरजेश कुमार पांडे, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री देवेंद्र सिंह व अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम श्री सत्यानंद उपाध्याय, नोडल अधिकारी लोक अदालत श्री जयप्रकाश, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अन्य व मंत्री के साथ ही अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। तत्पश्चात उक्त लोक राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा कुल 23 वादों का निस्तारण किया गया। पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा भी 23 वादों का निस्तारण किया गया। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा 202 वादों का निस्तारण किया गया। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन महोदय द्वारा 5 वादों तथा उपभोक्ता फोरम के कुल 5 वादों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायालय में कुल
19,198 वादों का निस्तारण करते हुए किया गया, और जिसमें प्री लिटिगेशन वादों में 1,395 वादों का निस्तारण करते हुए 2,67,20,440 रुपये नकद जमा कराए गए। इस प्रकार दिनांक 11/9/2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 126,756 वाद निश्चित किए गए थे, जिनमें 106,400 वादों का निस्तारण किया गया है।